घर में अगर कोई मर गए तो अल्लाह ने नमाज माफ कर दी, घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो बाप को नमाज माफ है। गौर करिए, लड़की अगर दुल्हन बनकर बैठी है तो अल्लाह उसको ये छूट देते हैं कि आज तेरा एक ऐसा दिन है जिस दिन तू दुल्हन बन रही है तो तेरे लिए नमाज माफ है। कहीं ऐसा मिलता है जिक्र हमको? फिर क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ देते हैं? अल्लाह अकबर। गौर करिए मेरी बहनों, क्या हो गया आज हमारी उम्मत की माओं को, क्या हो गया आज हमारे घरों को? आज हमारे घर बेनमाजियों की तरह नजर आते हैं। फजर के वक्त अगर मुसलमान मोहल्लों को देखा गया तो वो वीरान नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर की नमाज के लिए खास तौर पर मेरी माओ और बहनों, मस्जिदों को आप गौर करिए, जुमा की नमाज के लिए जितनी मस्जिदें भर जाती है, फजर की नमाज में एक शख्स भी आपको नजर नहीं आता।